गर्मी के मौसम ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं और ऐसे में ठंडी जगह पर्यटकों को बेहद आकर्षित कर रही है। रामनगर वन प्रभाग के कालाढूंगी रेंज में पड़ने वाले कॉर्बेट फॉल चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ है। ये वाटरफॉल 60 फुट की ऊंचाई से गिरता है और ऐसे में घने हरे भरे जंगलों के बीच गिरते हुए पानी की आवाज, पक्षियों की चहचहाट और शांत माहौल के बीच पर्यटक इस जगह का लुत्फ उठाने यहां पहुंच रहे हैं। पर्यटकों को आकर्षित करता कॉर्बेट फॉल, हर दिन बढ़ रही पर्यटकों की तादाद। 60 फुट की ऊंचाई से गिरता कॉर्बेट फॉल, प्राकृतिक सुंदरता के बीच मन का सुकून। मैदानी इलाकों में गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में भीषण गर्मी से बचने के लिए पर्यटक अब पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। पर्यटक कुमाऊं की खूबसूरत वादियां, सरोवर नगरी नैनीताल, कॉर्बेट नेशनल पार्क समेत कई पर्यटन स्थानों पर पहुंचकर मौसम का लुत्फ ले रहे हैं। मैं दिल्ली से आया हुआ हूं, मुझे इसके बारे में मेरे दोस्तों ने बताया था, तो इसको आज घूमने के लिए मैं यहां आया हुआ हूं और यहां पर आकर के मुझे बहुत सुकून मिला है, क्योंकि यहां पे ये प्राकृतिक से भरपूर है और ये जो यहाँ का झरना है कॉर्बेट फॉल जो है ये एकदम नेचुरल है, यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी बहुत पसंद है मुझे। लेकिन आज हम बात कालाढूंगी से महज 5 किलोमीटर दूर मौजूद कॉर्बेट फॉल की करेंगे, जहाँ का खूबसूरत झरना सैलानियों की पसंदीदा जगह बना हुआ है। कालाढूंगी से महज 5 किलोमीटर दूर कॉर्बेट फॉल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ठंडक वाला है, बाहर अभी गर्मी लग रही है, लेकिन यहाँ थोड़ा जो एटमोसफियर है बिल्कुल थोड़ा कूल है, एकदम बढ़िया है, बढ़िया है। मैं तो ऐसा बता रहा हूँ कि सबको आना चाहिए। हमारे यहाँ अहमदाबाद में तो 45 के आसपास है, यहाँ अच्छा है। असली रोमांच चाहिए तो आइए कॉर्बेट फॉल कालाढूंगी। रामनगर वन प्रभाग में पड़ने वाला कॉर्बेट फॉल चारों ओर घने जंगलों से घिरा हुआ है। कॉर्बेट वाटरफॉल 60 फुट की ऊंचाई से गिरता है, जिसे देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठते हैं। घने हरियाली जंगलों के बीच गिरते हुए पानी की आवाज, पक्षियों की चहचहाट और शांत माहौल के बीच पर्यटक पहुंच रहे हैं। लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते वन विभाग ने इस झरने में नहाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बावजूद इसके देसी विदेशी पर्यटकों के लिए कॉर्बेट फॉल पहली पसंदीदा जगह बन गया है। दिल्ली से आया है और कॉर्बेट पर बहुत अच्छा लगा, हम पूरे परिवार से आए हैं। वहाँ पे तो पॉल्यूशन में पूरे जीना मुश्किल हो गया है, अब यहाँ पे आने के बाद पता चल रहा है जो हमारे पेड़ पौधा और एनवायरनमेंट का कितना जरूरत है, हम भूल गए हैं सब चीज। हम दिल्ली में तो इतना गर्मी में झेल रहे हैं, यहाँ पे जीना मुश्किल है और यहाँ पे लग रहा है जो हाँ जिंदगी ऐसे ही होना चाहिए। दरअसल पहले कॉर्बेट वाटरफॉल में घरेलू पर्यटकों के लिए 10 रूपए और विदेशी पर्यटकों के लिए 20 रूपए शुल्क हुआ करता था, लेकिन अब पर्यटकों की बढ़ती तादाद के बाद पार्क प्रशासन ने देश के पर्यटकों के लिए शुल्क को 50 रूपए कर दिया है। अब जो मेन चीज है यहाँ की कि टेम्परेचर का काफी डाउन है और दूसरा काफी क्लाइमेट अच्छा है यहाँ का, एकदम नेचुरल क्लाइमेट जो कि आसपास वहाँ देखने को नहीं मिलता, काफी अच्छा, पहली बार देखा हमने ऐसा। इस खूबसूरत जगह पर सैर सपाटा करने वाले पर्यटक पास में मौजूद नेचर वॉक संग्रहालय का भी जमकर मजा उठाते हैं। फिलहाल फॉल में बढ़ती पर्यटकों की तादाद के बाद वन विभाग भी खासा उत्साहित नजर आ रहा है। समाचार प्लस के लिए कालाढूंगी से ललित मोहन बधानी की रिपोर्ट।